गिलास भी रख लेना है। मिला जी मामा को बाय करो। चलो बाय बाय। बाय बाय करो। चलो फिर बाय। बाय बाय। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधा इवनिंग में, और मैं आई हुई थी अपने छत में। तो छत में आज मैं प्लांट्स देखने आई हुई थी। कल मैं होली खेलने आई थी, तो मैंने देखा कि देखते तो खैर हम रोज ही हैं, लेकिन कल मैंने ध्यान से देखा कि हमने जो उस दिन सीड्स लगाई हुई थी ना, वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि वो कितना ग्रो कर चुकी हैं। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। मैं प्यारा सा गुड़हल का पेड़, जो कि पेड़ ही है। अब पौधा तो बहुत छोटा होता है, ये तो पेड़ ही बन गया है। तो अब इसमें ना फूल आने शुरू हो गए हैं। अब ये खूब जम के फूल देने वाला है, और रोज़ हम थालियां भर भर करके फूल ले जाने वाले हैं इसमें से। और सच में गुड़हल के फूल ना बहुत प्यारे होते हैं। हम तो रोज़ जाते थे पहले से भी, एक एक थाली रोज़ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि एक ही दिन का फूल होता है। तो हम तो सुबह सुबह रोज़ ले जाते हैं पूजा करने से पहले, और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर से हो जाते हैं। तो देखिए कल के लिए सारे फूल तैयार हैं। और ये है कनेर का, और फूल तो अब सब में ही आ रहे हैं धीरे धीरे। और फिर से हमारा गार्डन हरा भरा और रंगीन हो गया है कलरफुल फूलों से। और एक कनेर का प्लांट हमारा ये भी है, इसमें ना क्रीम कलर के फ्लावर आते हैं, येलो येलो से, लाइट येलो। अब धीरे धीरे इसमें भी आने लग गए फूल फ्लावर। वो बेचारा भी कितने प्यार से सोया है वहाँ पर, ये देखो अच्छी नींद आई है इसे भी। अभी ले आती हूँ नीलाक्ष को ट्यूशन से, ट्यूशन से लेने जा रही हूँ उसको, और फिर आ जाएगा नीलाक्ष। और ये नीलाक्षू बच्चों के क्रिकेट का मजा लेते हुए, क्यों नीलाक्ष आप क्रिकेट देख रहे हो? चलो आपको भी दिखाते हैं बच्चे कैसे खेल रहे हैं। बच्चों की लाइफ भी मस्त है। क्या खा रही तू? भल्ले जो बच्चे थे ना कल, जो बल्ले बच्चे थे कल, हाँ मैंने उसका कुछ बनाया। क्या बनाया दिखाइयो? ये सच में बहुत टेस्टी हो रहा है, ये नहीं हो कैसे? तुम कोई नई रेसिपी बना दी है? जो बल्ले बचे हुए थे उसकी। दोस्तों यहाँ पर बचे हुए थे कल के दही बल्ले के बड़े। तो माँ ही अभी स्कूल से आई, तो इसको खाने के लिए कुछ समझ नहीं आया होगा कि क्या खाए। तो इसने इन बड़ों को फ्राई करके और इसमें वेजेस वगैरह मिला के सॉस वगैरह डाल के एक चटपटी सी डिश बनाई है, और वाकई में यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी हो रहा है, और मैं तो इसे ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। पता नहीं कहाँ से इसके दिमाग में आइडिया आ जाते हैं। और ये तो सच में इसने बहुत अच्छा बना दिया, मैंने भी टेस्ट करा था तो काफ़ी अच्छा था, तो मैं इसे एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। और अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ इसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे भी चाय बन रही है, और यहाँ पे जो है दादी ने जो है खाना बना दिया है, आलू और मूली की सब्ज़ी। और अभी जो है मम्मी बाहर नीलाक्षी को पढ़ा रही है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है कल इंग्लिश का,
और मेरा आज जो है संस्कृत का एग्ज़ाम था, अब जो है मेरा 36 तारीख को है सीधा हिंदी का, तो अभी थोड़ा मैं फ्री फील कर रही हूँ। अभी 10, 11, 12, 3 डेज है मेरे पास, तो अभी तो मैं थोड़ा फ्री हूँ। और यहाँ देखो मम्मी जो है निराक्षी को पढ़ा रही है, यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि इसके जो है परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसलिए परसों से मेरे हैं, परसों नहीं तरसों से मेरे हैं। और निराक्षी इंग्लिश सब कुछ आता है? हाँ आता है, लेकिन एक ही आता, हर दिन से एक ही बोल रहा हूँ, जो नहीं आता उसको अच्छे से करता हूँ। तो अभी तो मैं इतना ही कर रही हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है, फिर देख कर बताते हैं आप। महिमा, ये ले बेटा, क्या है? भाभी ने तेरे कुछ भेजा है। देखो बोल के क्या। कुछ ये है, दादी ले 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 दादी, ये देखो। अरे एक पर्ची भी तो दी है ये, इसमें क्या है? क्या एक पर्ची भी दिया है? पर्ची एक गिराते पर मम्मी। हेलो माही, ये गुजिया सबके लिए है, मैंने और मम्मी ने बनाई है, आई होप तेरे को टेस्टी लगे, तेरी बहन भाभी। अरे भाभी ने लिखी है अच्छी लगी, पर खाओ। तो रोज हम रात को देते हैं, और अभी हम लोग जाएंगे पार्क की तरफ, पार्क की तरफ को, तो हम आपको वहाँ का भी दिखाएंगे। यहाँ पर ना गेट की दिक्कत आती है ना, हाँ वही तो। पार्क में, और अभी तो रात के टाइम पर थोड़ा सा कम भीड़ होती है। और यहाँ से चंदा मामा कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, ये देखो चंदा मामा दिख रहे हैं। काम तो करती है, बट लोग ना उसका मिसयूज ज़्यादा करते हैं। अगर ढंग से यूज करें तो कितनी सुविधाएं दे रखी हैं गवर्नमेंट ने, इतना अच्छा पार्क है, इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, सब कुछ फ्री का है, लेकिन अगर उसका सही ढंग से यूज हो तो कितना अच्छा हो। सारी मशीनें तोड़ तार के रख दी हैं, और बाकायदा ये एक बार ठीक भी हो चुकी हैं शायद से, अभी सब कुछ टूटा पड़ा है, सब कुछ, एक भी मशीन ऐसी नहीं है जो कि ठीक हो। अब तो बहुत कम मशीनें रह गई हैं सही, सारी की सारी खराबी पड़ी है। बेटा ढंग से करो, ये झूला नहीं है, नहीं नहीं, अच्छे से करो फिर। कैसे करते हैं वैसे? वैसे तो इसको ऐसे करते हैं। हाँ ऐसे ऐसे करते हैं इसको, ये थोड़ा ना कि झूला, एक बार करके दिखाओ अच्छे से। हाँ ये हुई एक्सरसाइज, बस बच्ची खुशी खुशी मशीनें रह गई हैं जो कि ठीक हैं, बाकी तो सब बुरे हाल हैं। अभी भी घर जाने का मन नहीं है ना, देखो देखो
और यहाँ अभी भी मार्केट लगी हुई है क्योंकि आज थर्सडे है ना, तो आज इधर की साइड थर्सडे मार्केट लगती है, तो काफ़ी बाज़ार में भीड़ भाड़ थी। और ये है हमारी पीर बाबा की मज़ार जो कि बेहद ही सुंदर है, और यहाँ थर्सडे के दिन काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। और ये अब बन भी काफ़ी अच्छी गई है, पहले से तो थोड़ा सा था लेकिन अब इसको काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। और इसी के बगल में दूध की डेयरी है, तो बच्चे यहाँ इस पार्क तक आएँ और आइसक्रीम लेके ना जाएँ ये तो हो ही नहीं सकता। क्या देख रही है फिर? डब्बे के अंदर कुछ तो है। क्या है? मिस्ट्री बॉक्स है, सबका फेवरेट, गर्मियों में बहुत ज़्यादा यह है मिस्ट्री बॉक्स। हाँ, वो आपको घर जाके पता चलेगा। अब तक आप सोचो कि क्या हो सकता है इसके अंदर, गर्मियों में जो हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया ही चुका होगा हमारा। और ये आ गया हमारा कालू, हमको कालू लेने के लिए। टिंगू, तूने खाना खा लिया था? और एक टिंगू यहाँ बैठा है, मोहिमत कर काटता है। तो दोस्तों हम लेके आए हैं आइसक्रीम, तो पापा और दादी को तो हमने दे दिया, अब हम खाते हैं। तो चलो मिलावट को भी दे देते हैं, ये ले। थैंक यू। तो अभी हम लोग खाएंगे, तो अभी हम लेते हैं आइसक्रीम के मज़े। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।